नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। भाद्रपद महीने की चतुर्दशी जो तिथि होती है, ये बहुत उत्तम तिथि होती है, क्योंकि इसी दिन किया जाता है गणपति जी का विसर्जन, जो कि 10 दिन तक अपने घरों में गणपति का विराजित करते हैं, गणपति को स्थापित करते हैं। अनंत चतुर्दशी यानी अनंत दुखों को दूर करने वाली चतुर्दशी। आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कहते अनंत चतुर्दशी पर मात्र अगर के आप 14 गांठों वाला एक धागा पहन लेते हैं तो आपकी अनंत खुशियां आपके इर्द गिर्द आती है और आपके अनंत दुखों का आपको निपटारा मिलता है, छुटकारा मिलता है। अनंत चतुर्दशी की अगर के हम बात करते हैं तो यह 17 तारीख को मनाई जाएगी, 17 सितंबर को। इसी दिन गणपति का विसर्जन भी होगा, यानी 10 दिन तक चलने वाला महोत्सव इस दिन समापन की ओर होता है और बहुत ही धूमधाम से गणपति विसर्जन किया जाता है। और फिर अगले बरस आने की एक कामना भी की जाती है, इनफैक्ट गणपति जी से प्रॉमिस भी लिया जाता है। इस दिन आपको कौन सी पूजाएं करनी चाहिए, कौन से विधि विधान करने चाहिए, गणपति को कैसे विसर्जित करना चाहिए और अनंत धागा यानी अनंत दुखों का अंत करने वाला धागा कैसे तैयार करना चाहिए। सबसे पहले तो गणपति को जब आप विदा करें तो खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति को आप अपने घर से विदा करते हैं तो कैसे करते हैं, और घर खास करके वो व्यक्ति आपके घर का व्यक्ति हो, किसी काम के लिए जा रहा हो, किसी सफर के लिए जा रहा हो, तो कैसे आप उन्हें विदा करते हैं। बहुत सारी सामग्री देकर के विदा करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें देकर के आप विदा करते हैं, यानी जल का प्रबंध करते हैं तो किसी भी तरीके की सफर में कोई दिक्कत ना आए। आने की कामना करना मीन्स आपने उनको सफर पर भेज रहे हैं, तो आपने किस तरीके से विदा करना। सबसे पहले तो पंचमेवा की एक पोटली बनानी चाहिए, छोटी सी एक पीले कपड़े में पोटली बना करके आपने गणपति जी को साथ में जरूर देनी है। और गणपति जी की प्रिय चीजें क्या है, जो प्रिय चीजें अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसका मन वैसे ही बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो गणपति जी की जो प्रिय चीजें हैं वो आपने क्या क्या देनी है वो भी बताएंगे, लेकिन साथ के साथ आपको एक अनंत धागा इस दिन चतुर्दशी के दिन ही तैयार करना है, जो कि साल भर आपके लिए रक्षा सूत्र का काम करता है, आपकी सुरक्षा का काम करता है। तो वो धागा भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बनाइएगा, कौन सा ध्यान करते हुए आपने उस धागे को बनाना है, कौन से रंग का धागा होना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या साल भर में फेस ही ना करनी पड़े। सबसे पहले तो आप गणपति जी को जो सामग्री दे रहे हैं उनकी प्रिय सामग्रियां भी दीजिए। प्रिय सामग्री उनकी क्या है, मोदक है, लड्डू है, उन्हें बेहद प्रिय है। और सबसे ज्यादा प्रिय इन सारी चीजों में से भी जो और भी प्रिय चीजें हैं वो इनकी दूरवा है। कहते हैं दूरवा जरूर आपको गणपति जी को जरूर देते जाते समय, विदा करते समय जरूर देनी चाहिए। और सुपारी, सुपारी उन्हें जरूर देनी चाहिए। जल आपको एक बॉटल में या एक पात्र में, एक लोटे में, छोटे से लोटे में जल रख करके भी जरूर आपने उनको देना है। और जाते जाते आपने अपने हृदय से लगा करके उनके कान में अपनी मनोकामनाएं भी कहने दी। और मनोकामना के साथ साथ में एक और प्रॉमिस भी लेना कि अगले बरस पप्पा जरूर आना, यानी अभी तो आप जा रहे हैं लेकिन अगले बरस आप जरूर आना, ये प्रॉमिस भी लेते हुए आपने गणपति जी को विदा करना है। आपको और भी चीजें बता दें कि गणपति जी को जब विदा किया जाता है, आपको मालूम है जब गणपति जी को घर में लाया जाता है तो उनका चेहरा अंदर की तरफ होता है, शुभ मुख, लेकिन जब उन्हें घर से विदा किया जाता है तो उनकी पीठ सबसे पहले बाहर निकाली जाती है, तो पीठ उनकी बाहर की तरफ होनी चाहिए जब आप गणपति जी को अपने घर से विदा कर रहे हैं। अब आती है बात कि अपने अनंत चतुर्दशी के दिन ये कौन सा ऐसा धागा, अनंत दुखों को दूर करने वाला धागा कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपने धागा लेना है पीले रंग का, और घर का हर सदस्य
अलग अलग ही धागा बनाए, यानी एक धागे में से सब लोग काट काट के धागा इस्तेमाल ना करें। इनफैक्ट अलग अलग धागा हर कोई इस दिन बना सकता है और ये अनंत समस्याओं के समाधान का धागा होता है। तो आपने क्या करना है, सर से लेकर के पैर तक के साइज का आपने पीले रंग का एक धागा लेना। देखिए जैसे हमने मोटा सा ये धागा पहना हुआ ना, तो ये कलावा है, ये आपने ये मान के चलिए देखिए कितना थिक है ये तो लाल और पीले रंग का है, लेकिन आपने पीले रंग का धागा बनाना है। अनंत परेशानियों को दूर करने वाला जो धागा है वो पीले रंग का धागा लीजिए, और पीले रंग का जो धागा है वो आपने अपने हेड से लेकर के टो तक का धागा थिक होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, थोड़ा सॉलिड होना चाहिए, ताकि ये धागा साल भर आप पहन सके, ये टूटे ना जल्दी। तो आपने अपने सर से लेकर के अपने पांव तक का धागा, और ये आप घर के किसी भी सदस्य को बोल करके इस साइज को आप ले सकते हैं, और उसमें आपने 14 गांठे लगानी है, 14 नॉट लगाने हैं इसमें। और वो धागा आपने जब आप नॉट लगाते हुए ओम गंग गणपते नमः इनके मंत्र का जाप करना है, यानी 14 बार आप गांठ लगा रहे हैं तो 14 बार तो जाप करना ही करना है, लेकिन 108 बार जाप पूरी गांठे लगाने के बाद भी जरूर कीजिएगा। लक्ष्मी और विष्णु का ध्यान भी जरूर कीजिएगा। प्रथम पूजनीय देवता है गणपति जी, और आपकी सारी मनोकामना को तो पूर्ण कर देते हैं, लेकिन इस दिन अनंत खुशियां पाने के लिए धन की लक्ष्मी देवी का भी ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आपने इस धागे को अपनी राइट कलाई में बांध लेना है। अब ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि राइट कलाई में बांधे या लेफ्ट में बांधे, वैसे राइट में, क्योंकि जो राइटी पर्सन होते हैं उन्हें राइट में ही ज्यादा बांधना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये अलग तरीके का धागा होता है, इसीलिए आप इसे राइट हैंड में बांध सकते हैं। और अगर आप लेफ्ट में भी बांध रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है, बांध सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट राइट में बांधना ज्यादा उत्तम माना जाएगा। तो अपने राइट हैंड में इस धागे को बांध लीजिएगा गणपति जी का ध्यान करते हुए। घर के हर सदस्य के लिए ये धागा जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये साल में एक बार ऐसा मौका, ऐसा विलक्षण योग संयोग आता है जब आप अनंत चौदस भी कहते हैं इसे, वैसे तो अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं इसे, तो तब आप ये इस काम को, इस कार्य को कर सकते हैं। और तो और आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके घर में धन वर्षा होती है, आपके घर में सुख आते हैं, और आपके जीवन से कष्ट जो है दूर होते हैं, और सर्व कामना सिद्धि का ये धागा कहा जाता है, सर्व इच्छा पूर्ति का ये धागा कहा जाता है। तो उस धागे को जरूर बनाइए, अपने घर के हर सदस्य के लिए इस धागे को बनाइए, और गणपति जी को विदा भी किया है आपने, तो अगले वर्ष का प्रॉमिस लेकर के उन्हें विदा कीजिए, ताकि आपके जीवन में हमेशा सुखों के भंडार बने रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।